अस्सलाम वालेकुम। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क में मैट्रिक डीएई डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए बहुत बड़ी तादाद में शानदार जॉब अनाउंस की गई है। ये जॉब डॉन न्यूज़पेपर में 9 जून 2023 को शाये की गई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए जाते हैं जॉब की डिटेल की तरफ। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। करियर अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1, मैनेजर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर। क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेहरीन नेवी आर्किटेक्चर। और उम्मीदवार के पास 8 से 10 साल के दरमियान रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। नंबर 2, डिप्टी मैनेजर। नंबर 3, डिप्टी मैनेजर। क्वालिफिकेशन बैचलर इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल मेहरीन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर। और उम्मीदवार के पास 5 से 8 साल के दरमियान एक्सपीरियंस होना चाहिए रियल्टी फील्ड के अंदर। एज लिमिट 45 साल। नंबर 4, डिप्टी मैनेजर लोकल परचेज। क्वालिफिकेशन 16 ईयर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन इन 4 ईयर्स, BBA ओवर MBA सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, और डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और उम्मीदवार के पास 5 से 8 साल के दरमियान रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल। नंबर 5, सीनियर सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर। नंबर अबाउट 16, क्वालिफिकेशन DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन मेटलर्जी एंड मटेरियल ओवर BSc विद फिजिक्स एंड मैथ। और तरजीह दी जाएगी BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी उम्मीदवार को। ओवर उम्मीदवार के पास 8 से 10 साल के दरमियान सीनियर सुपरवाइजर के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए या सुपरवाइजर के तौर पर। एज लिमिट 45 साल। नंबर 6, सीनियर सुपरवाइजर ओवर सुपरवाइजर। नंबर 7, सीनियर सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर 8, सीनियर सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर क्वालिटी कंट्रोल NDT। नंबर 9, टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल एंड NTD। क्वालिफिकेशन DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मेटलर्जी केमिकल एंड मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन या BSc फिजिक्स मैथ। और तरजीह दी जाएगी BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले को रिलेटिव फील्ड के अंदर। और उम्मीदवार के पास 5 से 8 साल के दरमियान सुपरवाइजर या सीनियर सुपरवाइजर के तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट सबके लिए 45 साल। क्वालिफिकेशन सेफ्टी सेम है। नंबर 10, टेक्नीशियन ग्रेड A, B and C। नंबर अपॉस 154। ये मुख्तलिफ शोबे दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैट्रिक या DAE डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग। और उम्मीदवार के पास 2 से 3 साल के दरमियान एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 11, स्टाइफोल्डिंग रीडर। नंबर अपॉस 5, क्वालिफिकेशन मैट्रिक और 2 से 3 साल के दरमियान रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 12, सैनिटरी वर्कर। क्वालिफिकेशन मिडल, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव फील्ड के अंदर। एप्लीकेशन जमा कराने का 3 टेटर। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराएंगे या उम्मीदवार एडवर्टाइजमेंट की इशात के 15 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन अपने तलीमी दस्तावेजात और तजर्बा सर्टिफिकेट और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर और CNIC की कापी अटेस्टेड शुदा इस एड्रेस पर सेंड कर दे। डिप्टी जनरल मैनेजर एडमिन एंड स्पोर्टिव। बाकी एड्रेस नीचे मेंशन है। डिप्टी जनरल मैनेजर एडमिन एंड
स्पोर्टिव MBT 570 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क। ये टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जॉब आपका बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों का फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अल्लाह हाफिज़।